Hello students, how are you? Welcome again in our class biology. Today we have to start chapter 4, reproductive health. Before going through this chapter, मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूंगा. आज भी इस साइंस के एटमोस्फियर में आज भी हमारा वर्ल्ड, हमारी सोसाइटी बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर बात करना नहीं चाहती. फॉर एग्जाम्पल, फॉर वीमेन्स, रेस्पेक्टेड वीमेन्स एंड वीमेन्स एंड गर्ल्स, मेनस्ट्रुअल साइकिल आज भी बड़ा शाई पॉइंट है. नॉट ओनली फॉर वीमेन्स और गर्ल्स, ऑल्सो फॉर द अदर फैमिली पर्सन और अदर फैमिली पर्सन ऑफ सोसाइटी ऑल्सो. आज भी कोई रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मायने में, यदि मेनस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, या बेसिकली अपने जेनिटल प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से डिस्कस करता है, तो सोसाइटी में, फैमिली में या अपने किसी सर्कल एरिया में उसके कैरेक्टर को जस्टिफाई करने लग जाते हैं लोग. इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए बेसिकली हमें एक अवेयरनेस होना चाहिए. वेयर नीड्स टू अवेयर अबाउट अवर रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स. हमारे रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स क्या है? चैप्टर 3 में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट दिस पॉइंट. वी नो व्हाट एस्पेक्ट्स एंड व्हाट एम और गोल्स कैन बी कंप्लीटेड बाय रिप्रोडक्शन, एज वी नो, राइट? रिप्रोडक्शन के कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन से गोल हैं जिनको अचीव करने के लिए बेसिकली रिप्रोडक्शन किया जाता है. नॉट ओनली फॉर द दीज पॉइंट्स, आवर रिप्रोडक्शन ऑल्सो बी कंप्लीटेड विथ फोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोसाइटी एंड सोशल. ये चार हमारे मोटो भी कंप्लीट होने चाहिए. सो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है. ये प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जनरेट करने का प्रोसेस नहीं है. इसके साथ पर्टिकुलर जो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टनर्स इन्वॉल्व रहते हैं, बेसिकली उनके इमोशन भी जुड़े हुए हैं, वो जिस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं वहां अटैचमेंट है, उनके साथ में उनका बिहेवियर भी है और उनकी फिजिकल हेल्थ भी है. ऑल ओवर यदि हम बात करें तो ऑल ओवर बात कर रहे हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल, सोशल और इकोनॉमिकल, ये सारी हेल्थ, इमोशनल बिहेवियर, ये सारी की सारी हेल्थ कब कंप्लीट मानी जाती है? जब हमारी रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट इनके साथ साथ पूरे. ठीक है, इस चैप्टर में यहीं स्टार्ट करते हैं. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट ए डेफिनेशन ऑफ दिस पॉइंट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट बीइंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के बारे में जितने भी एस्पेक्ट हम चाहते हैं उन सभी को अच्छे से अचीव करना, दिस कॉल रिप्रोडक्टिव हेल्थ. और वो एस्पेक्ट इनके साथ पूरे होने चाहिए. एस्पेक्ट्स शुड बी हियर फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल. दीज आर द डिफरेंट एस्पेक्ट अलोंग विथ रिप्रोडक्शन शुड बी हियर, राइट? इसके साथ में हम बात करें अब एक जनरल डेफिनेशन की. अ सोसाइटी विथ पीपल हैविंग फिजिकल एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव organs as well as normal interaction with respect to emotion and behavior among them is reproductive health. Reproductive health किसी भी society के जो peoples होते हैं उनमें physically, functionally, reproductive organs का working form के साथ में लोगों से interactions, basically किस तरह का interaction, emotion और behavior, इस तरह का interaction भी basically होता है. यानी कि रिप्रोडक्शन करने वाले पीपल्स हैं उनकी फिजिकल, फंक्शनल, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की होनी चाहिए और साथ में बाकी जो कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और फैमिलीज, वो इमोशन और बिहेवियर का भी रिलेशन में रहना चाहिए. तो बेसिकली ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर ही आता है. प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटेजीज, इंडिया एक बहुत ही मिडिल पर्टिकुलर कंट्री है. उस मिडिल पर्टिकुलर कंट्री के अंदर हम कह सकते हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. डेवलपिंग कंट्री में बहुत से कस्टम्स बना रखे हैं हमने, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं. यहां जाना है, वहां नहीं जाना है,
गर्ल्स को उनके साथ बैठना है, उनके साथ नहीं बैठना है, गर्ल्स के लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, वीमेंस के लिए रेगुलेशन बना रहे हैं, बेसिकली रूल्स बना रहे हैं कि उनके बारे में बात नहीं करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करना है तो अपने घर में वीमेंस के या पर्टिकुलर अपनी मदर से बात करनी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कहीं आ जाने पर चारों तरफ एक पर्टिकुलर नेगेटिव एटमोस्फेयर बन जाता है, हर कोई बेसिकली नेगेटिव फील लेकर के उनको देखता है। आज भी सैनिटरी पैड को देख करके बहुत से लोग शाय फील करते हैं। यदि पर्टिकुलर कोई हमारा कोई पर्सन है और वो अपने फैमिली पर्सन के लिए कहीं सैनिटरी पैड लेने जा रहा है तो बेसिकली वो खुल करके दुकान पे जाके शॉप पे जाकर ये चीजें नहीं मांग सकता। तो इन्हीं सभी चीजों को, इन्हीं सभी अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्ट्रेटेजीज की बात करें तो इंडिया में 1951 सबसे पहले एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इनिशिएट किया गया, दैट प्रोग्राम वाज फैमिली प्लानिंग मेजर्स। ये फैमिली प्लानिंग मेजर्स 1951 में किए जाने वाला ऐसा इनिशिएटिव प्रोग्राम था जो वर्ल्ड में सबसे पहले इंडिया के अंदर बेसिकली ये चलाया गया। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट टोटल रेस्पॉन्सिव टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज सोशल गोल्स। सोशल गोल्स कई हो सकते हैं, सोशल सोसाइटी के कई एम्स हो सकते हैं, उनमें से एक एम्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के इनिशिएट करने वाला फर्स्ट कंट्री इंडिया था। वाइडर प्रोग्राम्स इसके साथ में चलाया गया टू अचीव द एस्पेक्ट्स ऑफ टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ फर्स्ट, सेकेंड पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स एंड कंट्रोल। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, प्रॉब्लम पॉपुलेशन के बढ़ने से कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन कौन से माल न्यूट्रिशन क्रिएट हो रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स के क्या स्ट्रेटजीज और प्रॉब्लम्स की करेक्शंस क्या हो सकती है, वो सारी चीजें यहाँ पर की जाती है। इसी प्रोग्राम्स के अटैचमेंट के अंदर 1997 में इंडिया के अंदर एक और प्रोग्राम इनिशिएट किया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, द कम्बेटिंग एंड रिड्यूसिंग द मर्टेलिटी रेट, मर्टेलिटी रेट ऑफ मदर इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस। पर्टिकुलर किसी एक ईयर में पर 1000 जो प्रेग्नेंट वीमेन्स होती है उनकी डेथ होने को हम मॉर्टेलिटी रेट ऑफ मदर कहते हैं। पर्टिकुलर 1000 पे बच्चे पैदा हो रहे हैं पर ईयर, उनके डेथ को इन्फेंट रेट कहते हैं, और एक यंग बर्न चिल्ड्रन की एक साल के अंदर डेथ होने को हम कहते हैं चिल्ड्रन की डेथ। तो बेसिकली इन सभी को रिड्यूस करना मेन एस्पेक्ट था आर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को शॉर्ट में कहा जाता है RCH 1997। इन दोनों ही प्रोग्राम्स के एम क्या थे, अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स। जितने भी रिप्रोडक्शन के फायदे हैं, जितने भी रिप्रोडक्शन की इंपोर्टेंस है, उनके गोल्स को अचीव करने के लिए, बेसिकली उन अचीवमेंट को लेने के लिए अवेयरनेस पीपल्स में होनी चाहिए। सेकंड, प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग ए हेल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी का फाउंडेशन क्रिएट किया जाए जिसके अंदर सभी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो। रिप्रोडक्टिव हेल्दी टेकिंग अलॉन्ग विथ दीज फोर एस्पेक्ट्स, फर्स्ट फिजिकल इमोशनल बिहेवियर एंड सोशल। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टेप टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉर्मली लिए जाने चाहिए इंडिया में या लिए गए हैं, बेसिकली उनके गोल्स पहले से डिसाइड किए गए हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज यूज मीडिया, पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज कुछ मीडिया अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पीपल्स में यूज करते हैं। ये ऑडियो विजुअल हो सकता है, प्रिंट मीडिया हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट अबाउट टू एनहेंस द अवेयरनेस अबाउट द एस्पेक्ट इन रेस्पेक्ट टू अचीव द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेकेंड, सेक्स एजुकेशन प्रोग्राम्स टू अवेयर पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स। इन सब के अंदर है वो इस तरह के प्रोग्राम्स बेसिकली चलाए जाए जिससे सेक्स का एजुकेट किया जा सके। एजुकेटिंग द पीपल्स बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस अबाउट फर्टिलिटी एंड इन अ मैरिजेबल एज ग्रुप। जितने भी मैरिज करने लायक जो एज ग्रुप्स होते हैं
उनके अंदर बर्थ कंट्रोल करने के लिए कौन से ऑप्शन यूज किए जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किए जा सकते हैं। पर्टिकुलरली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है वो नेचुरल ट्रेडिशनल हो सकते हैं, नेचुरल ट्रेडिशनल हो सकते हैं या आर्टिफिशियल हो सकते हैं। फर्टिलिटी बेसिकली बहुत सी रिप्रोडक्टिव हेल्थ या रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट को पूरा करने में बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, बेसिकली इनफर्टिलिटी बोलते हैं, फर्टिलिटी बोलते हैं इनको। तो फर्टिलिटी को लेकर के किसी की फर्टिलिटी प्रॉपर नहीं है तो उस फर्टिलिटी को हेल्दी और क्लियर करने के लिए बेसिकली प्रॉपर वे में करने के लिए कौन कौन से टेक्निक अप्लाई किए जा सके, ये मैरिज एज ग्रुप के अंदर ये चीज अवेयर क्रिएट करने के लिए बेसिकली है। गुड प्लानिंग ऑफ पेरेंटहुड, एक बेसिकली न्यूली जो मैरिड पीपल्स और कपल्स होते हैं वो आने वाले फॉर कमिंग टाइम के अंदर जो बच्चा वो कंसीव करने वाले लेने वाले हैं, बच्चा पैदा होने वाला है, उनके बारे में कौन सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, कौन सी उनकी बेसिकली लाइफ के अंदर चेंजेस आने वाले हैं उनके बारे में उनको अवेयर करना प्लानिंग के साथ। शुड नो अबाउट प्री एंड पोस्ट नेटल केयर्स, उस बच्चे के पैदा होने से पहले प्रेगनेंट लेडी के साथ उनकी क्या अवेयरनेस होनी चाहिए और पैदा होने के बाद बर्थ होने के बाद उस बच्चे की कौन कौन सी केयर वैक्सीनेशन है, बेसिकली उसमें कौन सी मेडिसिन देनी पड़ेंगी, उस मदर को और उस बच्चे को किस तरह की केयर करनी पड़ेगी उनके बारे में अवेयर होना चाहिए। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रीज फीडिंग, बेसिकली जस्ट आफ्टर द पार्चुरेशन ऑफ बेबी जो फर्स्ट मिल्क आता है उसके बाद जो सिक्स मंथ तक मिल्क आता है, इस तरह के मिल्क के अंदर बेस्ट न्यूट्रिशन लेवल होता है, मदर के जो ब्रीस्ट की फीडिंग से बच्चे को जो बेस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलती है, नॉट ओनली फॉर द फीडिंग इट्स ऑल्सो वेरी कंपल्सरी फॉर द इम्यूनाइजेशन, द नेचुरल इम्यूनाइजेशन, नेचुरल वैक्सीनेशन भी बोल सकते हैं। उसमें मिनरल्स होते हैं, बेसिकली विटामिन्स होते हैं, बहुत से मिनरल्स के साथ में वाटर सप्लीमेंट्स और एंटीबॉडीज भी होते हैं जो बॉडी में इम्यून सिस्टम को पावरफुल करने के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट है अवेयरनेस अबाउट एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, जेनिटल वर्स, इनके बारे में अवेयर करना। शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू प्रोवाइड अ राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स, पीपल्स बेसिकली जो यंगर वंस होते हैं या जो मैच्योर पर्सन होते हैं या फैमिली या रिलेटिव या सोसाइटी के अंदर जितने पीपल्स होते हैं उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में बताएं, उनके बारे में राइट इन्फॉर्मेशन दें और इस राइट इन्फॉर्मेशन को लोगों में अवेयर और स्प्रेड करने के लिए एंकरेज किया जाए उन पीपल्स को। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजीन, सेक्सुअल हैबिट्स, बेसिकली जब एक पर्टिकुलर बेबी एक एडोलेसेंस की स्टेज में रहता है प्यूबर्टी के चेंजेस उसमें नजर आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस कहते हैं, 12 से 12 एज से लेकर 15 बॉयज और गर्ल्स के अंदर कुछ चेंजेस नजर आते हैं, उस दौरान उसकी बॉडी में फिजिकल के साथ साथ इमोशनल और हॉर्मोनल चेंजेस आते हैं। यदि पहले से ही इस बच्चे को एजुकेट कर दिया जाए कि इस तरह के चेंजेस एडोलेसेंस में आएंगे और उसके साथ में उसकी कौन से बिहेवियर चेंजेस होने वाले हैं उनको पहले अवेयर कर दिया जाए तो बेसिकली इस तरह की प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर कभी नहीं आएगी। तो उनके बारे में अवेयर किया जाए, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, बॉडी में, फिजिक में चेंजेस, बेसिकली इमोशन में, बिहेवियर में किस किस तरह के चेंजेस रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी की वजह से आने वाले हैं उनके बारे में अवेयर करना बेसिकली से स्टेप्स में आता है। लार्ज स्केल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो बच्चे के अंदर बेसिकली प्रीनेटल और पोस्टनल नेटल केयर्स में आते हैं, इम्यूनाइजेशन अ प्रॉपर वैक्सीनेशन शुड बी देयर। नेक्स्ट कंप्लीट बेन ऑन फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये डिटर्मिनेशन फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर एक मदर की यूटरस में जो बेबी होता है उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कई बार सोसाइटी में इसलिए किया जाता है कि मेल को होने पर रखा जाएगा, फीमेल चाइल्ड होगा तो उसको मार दिया जाएगा, इस तरह की फिनोमेनन को कहते हैं फीमेल 40 सेक्स। तो फीमेल 40 साइट्स को बैंक फीमेल 40 साइट्स को स्टॉप करने के लिए इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन के जो प्रोसेस है उनको कंप्लीटली बैन किया जाए, इस तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन के प्रोसेस को एम्नियोसेंटेसिस कहते हैं। एम्नियोसेंटेसिस यहाँ पर बताना चाहूं
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन अ गैस्ट्रुला स्टेज एमनियोटिक फ्लूड इज देयर इन अ एम्ब्रियो दैट फ्लूड कंटेन अ वेरी इंपोर्टेंट सेल्स हैविंग वेरी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन वेरी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन सॉरी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन और इन जेनेटिकल इंफॉर्मेशन से सेल को एनालिसिस करके टेस्ट करके ये पता किया जा सकता है कि इस तरह के बेबी में किस तरह का इन फ्यूचर प्रोटीन का सिक्वेंस होने वाला है इन फ्यूचर किसी तरह का सिंड्रोम्स या जेनेटल डिसऑर्डर्स बेसिकली जेनेटिकल डिसऑर्डर्स उनके बारे में पता किया जा सकता है अलॉन्ग विथ दी सेल्स ऑल्सो बी टेस्टेड टू डिटरमाइन और टू फिक्स दैट सेक्स और जेंडर राइट तो इस तरह से अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स इटीसी बेसिकली जो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है उसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिसोर्सेज में सोसाइटी में फैमिली में इकोनॉमिकली सेक्स अब्यूजेज जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं बेसिकली एक्सटोर्शन के साथ साथ में है वो किसी को परेशान करना या सेक्स रिलेटेड क्राइम्स बेसिकली ये सब कुछ इनके बारे में अवेयर करना इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के स्टेप्स में आता है एक्सक्लूजन पॉपुलेशन एक्सक्लूजन मीन्स द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज मीन्स ह्यूमंस के अंदर जो रैपिड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर में तो उस स्पीसीज के उसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक पैरामीटर्स देते हैं 19th सेंचुरी स्टार्टिंग ऑफ द 19th सेंचुरी 2 मिलियन पीपल्स वर इन वर्ल्ड 2000 तक आते आते वो 6 मिलियंस हो गए और 2011 तक वो 7.2 बिलियंस हो गए ये जो पर्टिकुलर स्टार्टिंग के अंदर यहां से देखिए आप 19 से लेकर 2000 तक पर्टिकुलर जो बिलियंस इंक्रीज हो रहे हैं वो एक स्लो स्पीड से हो रहे हैं बेसिकली 19 से लेकर 2000 पर बहुत फास्ट हुए हैं इन बिटवीन बहुत स्लो हुए हैं तो 2018 में आते 7.2 बिलियंस हो गए इंडिया के एस्पेक्ट में ले 1947 एट द टाइम ऑफ फ्रीडम उस वक्त की बात करें तो 350 मिलियंस थे 2000 आते आते ये अबाउट 1 बिलियंस एंड 2011 तक आते मोर देन 1 बिलियंस 1 बिलियन से भी ज्यादा हो गए तो इस तरह का पॉपुलेशन का जो एक बहुत बड़ा बूम आया उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को आगे बढ़ाने से पहले कुछ टॉपिक्स अपन को क्लियर करने हैं फॉर एग्जाम्पल मॉर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट नेटलिटी मीन्स द बर्थ रेट बट नेटलिटी का मतलब सीधा सा मतलब होता है इन्फेंट राइट ये चार डेफिनेशन है MMR मटीरियल मॉर्टेलिटी रेट यानी कि एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ यानी डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ वन ईयर पर 1000 बर्थ 1000 बर्थ पर एक साल से नीचे वाले बच्चों का जो डेथ होता है उसको हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल्स पर ईयर एंड बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ बर्थ इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पीरियड के अंदर ये नंबर ऑफ डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन बर्थ रेट होगी एक तरह से देखा जाए कि हम जितना भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट्स को अचीव करना चाहते हैं तो बेसिकली हमें MMR और IMR दोनों का इंक्रीजमेंट नहीं होना चाहिए डिक्रीज होना चाहिए इस तरह से इन दोनों के डिक्रीज के एस्पेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए बेटर अवेयरनेस अबाउट द सेक्स रिलेटेड मैटर्स इंक्रीज इन अ मेडिकल असिस्टेंट डिलीवरीज पर्टिकुलर डिलीवरीज है वो मेडिकल असिस्टेंस में हो बेटर पोस्ट नेटल केयर्स द केयर गिवन टू द मदर एंड हर न्यू बॉर्न बेबी इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद उस बच्चे को जो बच्चा पैदा हुआ इन्फेंट और उस मदर को जो अवेयरनेस दी जा रही है जो केयर दी जा रही है बेसिकली ये मटीनल मॉर्टलिटी रेट को भी कम करेगी और इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट को भी कम करेगी और इन दोनों ही रेट के कम होने पर हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के
एस्पेक्ट्स को कंप्लीट कर पाए। 2020 स्टेशनरी स्टेट ऑफ पॉपुलेशन थी, रीजन क्या था कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों इक्वल थी। बर्थ रेट और डेथ रेट के इक्वल होने पर जितने बर्थ रेट होंगी उतनी की उतनी डेथ रेट होगी, तो बेसिकली ना पॉपुलेशन बढ़ रही है ना पॉपुलेशन कम हो रही है। बट आफ्टर द 1920 के बाद में बर्थ रेट तो बढ़ी बट उस रेस्पेक्ट के अंदर डेथ रेट बढ़ी नहीं, कम रही। तो इस वजह से बेसिकली डेथ रेट के कम हो जाने से पॉपुलेशन में तगड़ा बूम आया। बेसिकली इसकी कॉजेज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, इन कॉजेज के अंदर ही चार चीजें आई है, कॉन्स्टेंट डिक्रीजिंग डेथ रेट, डेथ रेट में लगातार कमी होना, रैपिड डिक्लाइन इन MMR मटीरियल मॉर्टलिटी रेट के अंदर है वो तेजी से कमी आई, उसी तरह से रैपिड डिक्लाइन इन IMR यानी तेजी से इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट में भी कमी आई, और इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी या एक्सपेक्टेंसी क्या है, डिजायर टू मोर लाइफ, ज्यादा जीना, अच्छा जीना, इसकी डिजायर बढ़ने के साथ साथ क्योंकि मेडिकल असिस्टेंस बढ़ा, बेसिकली लोगों में न्यूट्रिशनल लेवल बढ़ा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट्स को पूरा किए जाने की वजह से डेथ रेट में कमी आई, इस वजह से लोगों में लाइफ के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। उस लाइफ के एक्सपेक्टेशन बढ़ने के साथ में ही एक तरह से जो एक स्टेट आई वो स्टेट कैसे आई, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्या पैरामीटर्स हैं, उनके स्टेप्स कौन से हो सकते हैं, उनको कैसे अचीव किया जा सकता है। उसके बाद पढ़ा अपन ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की डेफिनेशंस पढ़ी, इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का स्टेशनरी स्टेट कौन सा है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेनली रीजंस क्या है, ये सभी चीजें अपन ने पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मेन एस्पेक्ट आता है, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, टू मेंटेनिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो सबसे पहले हमें पॉपुलेशन कंट्रोलिंग सिस्टम्स को पढ़ना है, कंट्रोलिंग डिवाइसेस और मेथड्स को पढ़ना है, जिसमें आएंगे कॉन्ट्रासेप्शंस। कॉन्ट्रासेप्शंस में दो तरीके के सबसे पहले पढ़ेंगे अपन, ट्रेडिशनल और सेकंड में आएंगे आर्टिफिशियल। टिल अपना रिवीजन करके रखें, रेगुलर स्टडी ऑन करके रखें। थैंक यू।